आज जो बात करने वाला हूँ ना यार, फिजिक्स के पेपर को अपने लेके करने वाला हूँ, ठीक है। एक कॉलेज टीचर का क्या ओपिनियन है इस पेपर को लेके, फिजिक्स का एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि मैं भी एक फिजिक्स का टीचर हूँ, मुझे भी जो है फिजिक्स के बारे में जो है बोलने का हक है, क्योंकि ये पेपर जो था एक्चुअली बिल्कुल भी अच्छा नहीं था उन बच्चों के लिए जो बच्चे आगे जो है स्कोर अच्छा करना चाहते हैं। तो मेरे को ये बोलना था कुछ इस बारे में। मैं पेपर की डिफ़िकल्टी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पेपर आपने MCQ पेपर बना दिया, ठीक है। कितने पेपर, कितने क्वेश्चंस आपने डाल दिए जी? आपने डाल दिए 45 क्वेश्चंस। टाइम आपने कितना दिया? आपने दिया 1.5 घंटे का टाइम, यानी कि आपने एक क्वेश्चन को आपने 2 मिनट का समय दिया। अरे भाई, ये बच्चे क्या एंट्रेंस, ये बच्चे कौन से बच्चे हैं? ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चे नहीं हैं, ये जो बच्चे हैं ये 12th क्लास के बच्चे हैं। और आपने इतना ज़्यादा लेंदी पेपर बनाया है कि मैं ऑफेंड करता हूँ इस पेपर को, मतलब मैं इस पेपर के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के साथ खड़ा हूँ, और मेरे को ये कहना है इस पेपर के बारे में कि इस पेपर में मतलब लेंथ बहुत ज़्यादा थी, बच्चे हड़बड़ाहट में गलत करके आ गए क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर्स हर बच्चे के पास में थे, लेकिन आपने समय ही इतना ज़्यादा कम दिया बच्चों को कि बच्चे जो है वो क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे करें, कितनी जल्दी जल्दी करें। भाई ऑब्वियसली MCQ क्वेश्चन करना कोई इजी नहीं होता है, ठीक है। आपने क्वेश्चन की लेंथ बहुत लंबी रखी है, क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा तो पढ़ने में बहुत देर लगेगी। फिर उसके बाद में आपने उसमें कैलकुलेशन डाल दी, आप उस कैलकुलेशन को बच्चा करेगा। उसके बाद आपने 4 ऑप्शंस डाले जो कि सारे के सारे नियरली वेरी क्लोज हैं, तो उसमें बच्चा जो है डेफिनेटली से कन्फ्यूज़ हो रहा है। ऊपर से उसका बोर्ड एग्जाम है, ऊपर से वो पैंडेमिक में इतना ज़्यादा परेशान कैसे ऑनलाइन में पढ़ा है। मुझे अपनी तरफ से पर्सनली ये कहना है कि मुझे कहीं पर भी इस पेपर में सेटिस्फैक्शन मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखा है। और मैं आप बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर अगर आप बच्चों के मार्क्स इसमें कहीं भी थोड़े बहुत भी कम आते हैं, तो उसमें गलती बच्चों की डेफिनेटली से नहीं है, ये गलती जो है सिस्टम मेकर्स की है जिन्होंने पेपर इस तरह का बनाया है। और मैं इस पे इन बच्चों के साथ में स्टैंड करता हूँ, और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद से इस पेपर को तो कम से कम दोबारा लेना चाहिए, नहीं तो इस पर तो मॉडरेशन 100% लगना चाहिए, क्योंकि कम से कम 10 मार्क्स का बच्चों को इस पर ग्रेस मिलना चाहिए। ये पेपर बहुत ज़्यादा ख़राब था, बच्चों का करियर का सवाल है, बच्चे आगे एडमिशन लेने के लिए अपना परसेंटेज गिरेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अभी हमने देखा कितना बुरा हाल है बच्चों का, ठीक है। आप समझ लिए इस बात को कि बच्चा जो है एंट्रेंस बेस्ड तैयारी नहीं करता है, बच्चा जो है 12th क्लास में CBSE की सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करता है, और पेपर बिल्कुल भी जो था वो इस तरह का नहीं था, एकदम एंट्रेंस लेवल का पेपर था। MCQs आपने बहुत ज़्यादा क्लोज डाले थे। अब कोई बच्चा ये बोलेगा कि नहीं जी ये पेपर बहुत ईजी था, तो मैं आपको बता दूं कमेंट में वो ऐसे ही बच्चे होंगे जो या तो 12th वाले बच्चे ही नहीं हैं, ठीक है, या फिर वो बच्चे जो होते हैं वो किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं। एक नॉर्मल एक विलेज का एक बच्चा है या एक कहीं का भी एक बच्चा है, उसके लिए डेफिनेटली पेपर नहीं था। बच्चे जो है सारे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, एक्सेस टू द नहीं है, मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है, डाउट क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाता है उतने अच्छे से। तो मेरे को कहीं भी नहीं लगता कि ये पेपर जो था जस्टिफाइड था, मेरे को अपने इसी बारे में सिर्फ इतना ही बोलना था, और मैंने अपने सारे पॉइंट जो है वो वैलिड पॉइंट्स रखे हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने इनवैलिड कोई पॉइंट बोला है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुर, बाय।